सीएए को लेकर भ्रांतियां भी बहुत फैलाई जा रही हैं, इसलिए हम आसान भाषा में आपके लिए सीएए से जुड़े 10 पॉइंट्स लाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये एक्ट आखिर है क्या। सीएए का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को सीएए 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएए के नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तीसरा, भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण ले चुके हों। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य होंगे। सीएए अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति से सीएए कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। सीएए के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं। ये पांचवा पॉइंट है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ही रहेगी। आवेदकों को भी बताना होगा कि वे भारत कब आए थे। छठवां पॉइंट, पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है। सातवां पॉइंट है, गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 के 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। सीएए 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। जी हां, यह सबसे गौर करने वाला पॉइंट है। आठवां, कि इस कानून सीएए से जो भारत के नागरिक हैं, पहले से यहाँ पर पैदा हुए हैं, सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है। इसके साथ ही नौवां पॉइंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। सीएए 2019 संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। साल 10वां पॉइंट है, साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये था सीएए आसान भाषा में।